हम हमारे रोजाना जीवन में बहुत सारे अलग अलग साउंड सुनते हैं, व्यक्तियों के साउंड्स, पक्षियों के, वाहनों के, टीवी रेडियो से साउंड्स इत्यादि। ये कहने की जरूरत नहीं है कि साउंड हमारे जीवन में एक मुख्य भूमिका निभाती है। ये हमें एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में मदद करती है। साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है? हमारे पिछली क्लास में हमने देखा कि वाइब्रेशन साउंड प्रोड्यूस करती है। वाइब्रेशन क्या है? ये एक बॉडी का टू एंड फ्रो मोशन है। हम कुछ वाइब्रेशंस को अपनी आंखों से देख सकते हैं और कुछ का स्पीड इतना ज्यादा होता है कि हम इन्हें देख नहीं पाते। जब हम गिटार की एक स्ट्रिंग को छेड़ते हैं तो वो वाइब्रेट होने लगती है और हमें साउंड सुनाई देती है। हम गिटार की स्ट्रिंग को वाइब्रेट होता हुआ क्लियरली देख सकते हैं। एक ट्यूनिंग फोर्क लें और एक रबर बैंड पर धीरे से इसकी किसी एक प्रोंग्स को स्ट्राइक करें। क्या आपको साउंड सुनाई दी? जी बिल्कुल, साउंड प्रोड्यूस होगी। अब प्रोंग्स को ध्यान से ऑब्जर्व करें। क्या आपको प्रोंग्स वाइब्रेट होते दिखाई देते हैं? शायद नहीं, क्योंकि इस केस में वाइब्रेशंस देख पाना मुश्किल है। हालांकि अगर आप एक प्रोंग को अपने हाथों से छुए तो आप उन वाइब्रेशंस को महसूस कर सकते हैं। क्या किसी और तरीके से ये पता लगाया जा सकता है कि प्रोंग्स वाइब्रेट हो रहे हैं या नहीं? जी हाँ, एक पानी से भरा ग्लास लीजिए। ट्यूनिंग फोक के प्रोंग्स को वाइब्रेट कराने से पहले इसमें डाल दें। हम कोई खास मूवमेंट नहीं देखेंगे। अब प्रोंग्स को बाहर निकालें और इन्हें वाइब्रेट करें। अब इन्हें फिर से पानी में डाल दें। आप क्या देख सकते हैं? पानी हर जगह से बाहर आ जाता है। ये प्रूव करता है कि प्रोंग्स में वाइब्रेशन है। हम मनुष्य भी साउंड्स बनाते हैं, टॉकिंग, लाफिंग, विस्परिंग इत्यादि के रूप में। हम मनुष्यों का कौन सा बॉडी पार्ट वाइब्रेट होता है जब हमारे मुंह से साउंड बनाते हैं? जी हाँ, वोकल कॉर्ड्स जो हमारे लैरिंग्स के अंदर होते हैं वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। हम हमारे आने वाले वीडियोस में ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। साउंड कैसे प्रोपेगेट होती है? अगर हमारे पास यहाँ साउंड का सोर्स हो तो ये कानों तक कैसे ट्रैवल करेगी? साउंड वेव क्या है? हम प्रॉपर्टीज जैसे कि स्पीड, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ को कवर करेंगे। हम साउंड के रिफ्लेक्शन और उनके फिनोमेना के बारे में पढ़ेंगे। लाइट वेव की तरह ही साउंड वेव भी सॉलिड सर्फेस से रिफ्लेक्ट होती है। एको और रिवर्बरेशन साउंड वेव के रिफ्लेक्शन के कारण होती है। हम अल्ट्रासाउंड और अल्ट्रासोनिक वेव्स के बारे में भी देखेंगे। अंत में हम मनुष्य के कान के बारे में बात करेंगे। हम ये देखेंगे कि कैसे हम मनुष्य साउंड को सुनते हैं। तो क्या आप एक्साइटेड हैं? आपसे अगले लेसन में मिलते हैं।